तो हम लोग जब भी हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते वक्त हम लोगों को इधर मुड़ना होता है, इधर मुड़ना होता है, किसी भी तरफ मुड़ना पड़ता है, तो हम लोगों को इंडिकेटर्स जलाने पड़ते हैं। मतलब इंडिकेटर्स जलाना बाइक राइडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर हम लोगों का कहीं पर भी अगर जा रहे हैं, हम लोगों को अचानक से अगर लेफ्ट में अगर मुड़ना होगा या वैसे भी हम लोगों को अगर लेफ्ट में मुड़ना होगा तो हम लोग लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे या राइट अगर मुड़ना होगा तो राइट का इंडिकेटर देंगे। इंडिकेटर्स बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाइक राइडिंग में या कार राइडिंग में। कोई भी अगर व्हीकल चला रहे हो उसमें इंडिकेटर आपको जरूर मिलेगा। इंडिकेटर्स अगर ना जलाओ एक्सीडेंट के भी खतरे बढ़ जाते हैं उससे। अगर आपको अगर मुड़ना है और आप बिना इंडिकेटर चलाए अगर मुड़ जाओगे तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ने की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। इंडिकेटर्स अगर ना जलाओ एक लॉ का वॉयलेशन आप कर रहे हो और लॉ का वॉयलेशन करना आपको इस समय अच्छा ना लगे शायद। और अगर आप लोगों को ये सोच रहे हो कि मैं अचानक से मैं इंडिकेटर की मैं बात कैसे करने लगा, इंडिकेटर की बात मैं इस वजह से करने लगा क्योंकि मेरे जो मोटरसाइकिल का जो इंडिकेटर है एक तरफ का तो ठीक है, एक्चुअली वो भी ठीक नहीं है, वो भी लगभग ख़राब ही हो गया है। अगर यहाँ पर अगर आप लोगों को देख पा रहे हो जो मैं लेफ्ट वाला जो इंडिकेटर है, लेफ्ट वाले इंडिकेटर का प्लास्टिक का जो हेड है वो टूट गया है और इसका शायद ब्रेक लाइट भी इसकी नहीं चलती। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मैंने अपनी बाइक अपनी स्टार्ट की और अब मैं इंडिकेटर दूंगा राइट साइड का, जल रहा है लेकिन आधा जल रहा है। मैं अब इस तरफ का भी इंडिकेटर अब देता हूँ। ये वाला जल रहा है लेकिन ये वाला पूरा जल रहा है। अब ये प्रॉब्लम अब कहाँ से आई, ये क्यों आई ये प्रॉब्लम, मेरे को आइडिया तो नहीं है। एंड ऑल्सो एक और चीज़, ये ब्रेक लाइट है मेरे इंडिकेटर की। मैं जब भी मैं ब्रेक दबाता हूँ तो मेरी मोटरसाइकिल की ब्रेक लाइट जलती है और मेरे इंडिकेटर की भी ब्रेक लाइट साथ में जलती है। इसमें अगर आप लोग अगर यहाँ पर देख पा रहे, इसमें तो कुछ भी नहीं जल रहा है लेकिन इसमें आधा, इसमें एक दो तीन मुश्किल से 10 बल्ब इसमें जल रहे हैं। तो मैंने इस समय क्या सोचा है कि मैं अभी अपने मोटरसाइकिल का जो इंडिकेटर है वो चेंज करा दूंगा क्योंकि अब वो आधा जल रहा है, वो कभी भी बंद भी हो जाता है बीच में, कभी भी जब भी उसका मन करता है तो वो बंद हो जाता है। तो इससे अच्छा यही है कि मैं नया इंडिकेटर इसमें डाल दूं। ये अगर आप लोग अगर इस पे देख पा रहे हो इस पे मिट्टी लगी हुई है और कल हमारे घर में एकदम मतलब खतरनाक वाली एकदम पूरी सफाई वफाई। मेरे पास एक पैकेज एक आया था, एक्चुअली मैंने ही मंगवाया था। ये लो इतना ही हिस्सा हाथ में आ गया, हमारे पास कुछ है नहीं अभी काटने के लिए, तो अभी हम नेल कटर के इससे काटेंगे। ये है बेसिकली इंडिकेटर्स, डुअल टोन इंडिकेटर्स है। ये इंडिकेटर है, ये ब्रेक लाइट है, बीच की ब्रेक लाइट, ब्रेक की लाइट का क्योंकि रेड है और रियर की तरफ लगेगी इसलिए ये वाली ब्रेक लाइट है और ये वाले इंडिकेटर्स। तो अब वो इंडिकेटर्स मैं अपने बाइक में अब लगवाऊंगा और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो चलो अब चलते हैं और इसको लगवाते हैं अपनी बाइक में क्योंकि एज यू कैन सी दोनों की बैंड बजी पड़ी है। अच्छा इस समय कैसा लग रहा है, इस समय मतलब तो इतनी भयंकर ठंडी पड़ रही है, हमसे आगे नहीं निकल पाओगे। अच्छा आज वैसे आज कौन सा आज आदत, तो ये कुछ एक महीने के बाद ही मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो क्योंकि एक्चुअली मेरे को याद ही नहीं था कि ये वाला जो इंडिकेटर है ये रखा हुआ है मेरे पास। अभी मैं इसके बारे में एकदम भूल गया था, आई वाज कम्प्लीटली लॉस्ट अबाउट दिस थिंग। तो आज याद आया तो आज हम चल रहे हैं इसको लगवाने और इस समय ज़रा सा भी मतलब आज एकदम धूप ही नहीं निकली है आज। चलो भैया कितना धीरे धीरे चलोगे, इतना ही धीरे धीरे चलना है तो ज़िंदगी, तो साइकिल चला लो। एंड ऑल्सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस कि अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी हिली हुई लग रही होगी क्योंकि मेरी जो वॉइस है वो कम्प्लीटली जा चुकी है। एक कार इधर खड़ी है, एक कार इधर खड़ी है। चलो यार थोड़ा जल्दी चलिए करो, अंदर से लगवा, आओ अंदर से लगवाते हैं। हम किधर चले, किधर किधर रुके, यहाँ पर कोई एक्चुअली खाली हो। ये वाला इंडिकेटर लगाना है,
चारों नहीं दो पीछे की तरफ बस है ना। इसमें सुनो तो इसमें एक एक वायर इसमें ब्रेक वाला है ना, इसमें लगा हुआ है। इसमें पीछे जाके देखो मैं ब्रेक दबाता हूँ तो दबता है जलता है वो लाल वाला है। हाँ इसमें भी दो लाइटें हैं, एक ब्रेक वाली लाइट है और एक इंडिकेटर वाली लाइट है। उसी के तार में जोड़ देना ठीक है। नहीं लग पाएगा क्यों, क्या हो गया? अरे भैया उसमें हम नीचे से कहाँ लग पाएगा? अरे वो लगा पाएगा? सही बताओ सही ना लगा। लगा पाओगे इंडिकेटर? इंडिकेटर है काम, हाँ लाए हैं। ये पीछे की तरफ लगेगा बताओ है? हाँ पीछे लगना है। इसमें तीन वायर है ना, एक वायर इसके ब्रेक में कनेक्ट होगा जैसे इसमें, इसमें भी ब्रेक कनेक्टेड है। ये वाला इधर देखो, इधर लाल लाल जल रहा होगा। अरे उसमें नहीं लगा, इसमें लगा है, उसका निकल गया शायद। हाँ एक अर्थिंग होगी, एक इंडिकेटर का होगा, एक ब्रेक का होगा। ये देख रहे हो ये ब्रेक का चल रहा है। दो सौ रुपये पड़ेगा, ऐसा क्या करोगे? इंडिकेटर लगाने का रहने दो, दो सौ रुपये मांग रहे इंडिकेटर लगाने का। ये इंडिकेटर लगाना है बाइक में, बाइक में इंडिकेटर लगाना है पीछे की तरफ, लग जाएगा। इसमें तीन वायर है, एक वायर ब्रेक में लगेगा उसका, उसमें कनेक्शन पहले से लगा हुआ है ब्रेक का है ना। एक वायर ब्रेक में लगेगा हाँ, और दो मतलब एक तो इंडिकेटर का एक अर्थिंग का लगेगा, मतलब टाइम देना पड़ेगा आपको। अभी हम खाली हो जाएंगे उसके बाद कितना टाइम है? एक घंटे के बाद कितना लेंगे? 100 रुपये दिया है। अब देखो गाइस, अब मेरे पास अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं घर पे लगा लूँ, इसमें कोई ज़्यादा तोप गिरी वाला काम है नहीं तो एक और दुकान है मुंशी पुलिया के उस तरफ, वहाँ पर चल के एक बार देख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, हेलमेट और सब मतलब कैमरा वैमरा देख के लोगों को लगता है मोटी पार्टी है। अब मोटी पार्टी होने की वजह से साले सब लूटने लगते हैं, अब एकदम एचएल वाले तो मतलब लालबाग वाले सब रेट लेने लगते हैं। इन लोगों आता कुछ घंटा कुछ भी नहीं है, लेकिन रेट लेंगे लालबाग वाला। क्या भाई सब लोग इधर ही क्यों जा रहे हैं?
पूरा भयंकर ट्रैफिक लगी है क्या? हम तो उधर से ही जाएंगे। अरे साइकिल I am extremely sorry sir, हमारी जो गाड़ी है वो नहीं निकल पाएगी। अरे अरे ब्रो चलो बे, ये क्या लग गया, ये क्या चीज है? मुझे बोलिया पिंक बूथ, पिंक बूथ, व्हाट इज पिंक बूथ? नहीं हमें यहाँ से सड़के नहीं जाना है, हम अंदर से हम जाएंगे। कौन जाएगा वहां पर मंडी में माता खपाने? इसकी तो दुकान ही नहीं लगी है। अब क्या करें भाई, या तो ये कर सकते हैं वापस चले, नहीं तो लालबाग, लालबाग नहीं जाऊंगा यार, लालबाग में तो सब क्या मनाने वाले बैठे रहते हैं। भैया एक काम करते हैं, हम ही जो है घर चलते हैं, क्योंकि अब हमको अब लग रहा है ठंडा। अरे मुझे ठंडा लगता है, इट्स नॉट वेरी पीसफुल फॉर मी। चलो यार सिग्नल तो लग गया, चल क्यों नहीं रहे हैं सब? चलो चलो चलो, वेट वेट वेट, लो सर एवरीवन इज गोइंग, कांट यू जस्ट मूव अहेड? ये सही है, ठोक लो। ये नहीं कि अपने कार रखे, कार में एक डस्टबिन नाम की एक चीज रखो। क्या टाइम हो गया इस समय? 4:30। तो ऑलराइट गाइस, तो फाइनली वाला जो इंडिकेटर है ये लग चुका है एज यू कैन सी, और ये कुछ ऐसे चल रहा है। तो ये है ब्रेक, और ये जो पोर्शन है ये ब्रेक का पोर्शन है, ये ब्रेक वाला, बस सिर्फ इतना ही, बस ब्रेक वाला चल रहा है। इधर भी सेम, ये अगर छुपा दे देख सकते हो, ये ब्रेक ब्रेक लाइट है, और उधर भी ऐसे ही चलेगा। चलो समय, बाय द वे बहुत ज़्यादा रात हो गई है, बहुत ज़्यादा रात तो नहीं हो गई, इस समय 5:40 हो रहा है, मेरे को फ्लैश, इसकी फ्लैश जलाने की ज़रूरत पड़ रही है।
क्योंकि आसमान में एकदम रोशनी है ही नहीं। तो चलो अब लाइट तो लग गई फाइनली इतने दिनों बाद। जस्ट डोंट नो कि मैं इसको कैसे मैं एडिट करूँगा, लेकिन ठीक है। ऑलराइट गाइस, गेस व्हाट, फिर से मैं वीडियो को एडिट करना भूल गया। इस राइट नाउ आई एम एडिटिंग दिस वीडियो, दिस व्लॉग व्हिच यू आर गोना सी राइट नाउ। तो एक्चुअली ये वाला जो व्लॉग है थोड़ा सा लंबा बन गया है, समय 15 मिनट 40 सेकंड है। उसके बाद ये वाली भी जो फुटेज है, ये भी फुटेज इसमें जाके जाएगी, तो हल्का सा लंबा बन गया। अगर आप लोगों को अगर लंबे व्लॉग्स अगर सही लगते हैं, बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा इसमें मोटर व्लॉगिंग है, उसमें व्लॉगिंग का पार्ट बहुत कम है। सो या इफ यू लाइक इट, सो जस्ट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। एंड इफ यू हैव एनी थॉट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग एनी वीडियो, डू यू हैव एनी सजेशन, सो काइंडली कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। नीचे आपको मिल जाएगा, सबसे नीचे नहीं, बस जस्ट इधर ही हल्का से स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। अगर कोई भी कुछ सुझाव तो नीचे जाके लिख देना। ब्लॉग अगर बड़ा अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बताना कि या यू आर लाइकिंग इट और यू आर नॉट लाइकिंग इट। एंड ऑल्सो दिस व्लॉग इज़ काइंड ऑफ अ रॉ व्लॉग, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा कोई सिनेमैटिक है नहीं और पीछे कोई गाना भी कोई नहीं चल रहा है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ रॉ व्लॉग, सो इफ़ यू लाइक इट आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डोंट लाइक दिस एक्सपेरिमेंट जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड नेक्स्ट वाले व्लॉग से वो नॉर्मल व्लॉग आते रहेंगे। चलो या बाय।